बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। पिकअप मशीन के पीछे चल रही मलबा ले जाने वाली ट्रेन का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण ट्रेन ने वहां काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। इस हादसे में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चीन को मिला तगड़ा झटका। भारत के बाद अब ब्राजील ने चीन की अरबों डॉलर की परियोजना BRI में शामिल होने से किया इनकार। केरल के कासरगोड में एक मंदिर उत्सव के दौरान हुए आतिशबाजी हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा 28 से 29 अक्टूबर की रात के दरमियान 12:30 पर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यह संदेह जताया है कि विरकावू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच NCP नेता नवाब मलिक के डबल गेम ने मचाई खलबली। पहले बेटी को दिलवाई टिकट, फिर खुद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गाजियाबाद जिला अदालत में जबरदस्त बवाल हुआ। जी हां, गाजियाबाद कचहरी में आज दिन में करीब 12 बजे वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख जजों ने पुलिस बुला ली। जिस पुलिस को मामला शांत करने के लिए बुलाया गया था, उसके आने से कुछ ही देर में विवाद जजों से हटकर पुलिस और वकीलों के बीच शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस बल का एक सिपाही कुर्सी लेकर वकीलों के पीछे भागता दिखाई दिया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।